नवंबर स्टोरी ये डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे आई हुई एक नई वेब सीरीज है जिसके राइटर डायरेक्टर है इंदिरा सुब्रमण्यम शायद उनका नाम है और उसके बाद इसमें लीड रोल प्ले किया है तमन्ना जी ने। तो अगर हम पिछले कुछ सीरीज के बारे में बात करते हैं तो ठीक है कंप्यूटर नहीं ओके कंप्यूटर या फिर लाइव टेलीकास्ट जो भी आए थे डिस्नी प्लस हॉटस्टार में वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे, लेकिन ये सीरीज़ थोड़ी सी अलग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका कॉन्सेप्ट और स्टोरी जिस तरीके से नरेशन इन्होंने किया है, जो सीन्स इन्होंने दिया है, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। उसके बाद इस सीरीज़ में लगभग 7 एपिसोड्स हैं, वो कुल मिलाकर 40 से 50 मिनट के अंदर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ को देखने के लिए आपको 4 या 4.5 घंटे देने होंगे अगर आप ये सीरीज़ देखना चाहेंगे। तो ये सीरीज़ एक मर्डर मिस्ट्री भी हम कह सकते हैं। जिस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट इन्होंने किया है वो पिछले कुछ सीरीज़ में मुझे खास पसंद नहीं आया था, लेकिन इस सीरीज़ में मुझे काफ़ी पसंद आया है। उसके बाद तमन्ना जी का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बढ़िया रहा। उसके बाद फ्लैशबैक में जो कहानी चलती रहती है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब मैंने इसको देखना शुरू किया तब थोड़ी बहुत बोरिंग तो बिल्कुल लगी। शुरुआत के जो 30 या 40 मिनट है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। उसके बाद जो सीरीज़ प्रोग्रेस करती है स्टोरी डेवलप करने में वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। इसे आप अपने परिवार के साथ ज़रूर देख सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा कुछ गाली गलौज है नहीं। उसके बाद आप इस सीरीज़ को हिंदी तेलुगू और तमिल लैंग्वेज में देख सकते हैं। उसके बाद मुझे इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला किरदार है तमन्ना जी के पिताजी का रोल जिन्होंने प्ले किया है, उनका नाम है जीएम कुमार। उनका काम भी मुझे इस सीरीज़ में काफ़ी पसंद आया। ओवरऑल आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार सीरीज़ है, कहीं पर भी आपको बोर तो नहीं लगेगी। मुझे तो ये सीरीज़ पसंद आई है, मैं ये सीरीज़ को देता हूँ 3/5। अगर आपने पहले भी ये सीरीज़ देखी है तो आपकी एक्सपीरियंस क्या है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मैं चला अगला सीरीज़ देखने।